तो चलिए देखते हैं हमारे 2 BHK का शो फ्लैट, जिसे हम सैंपल फ्लैट भी कह सकते हैं। जो शो फ्लैट है वो 2 BHK का 675 स्क्वायर फीट के डायमेंशंस में बना हुआ है। आप देख सकते हो कि सैंपल फ्लैट में जो आपको फ्लैट दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत है। ये है हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग रूम। हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग रूम की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा और लग्जूरियस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको स्टैंडिंग विंडो भी दी गई है। स्टैंडिंग विंडो में जो है आपकी विंडो ऐसे ओपन हो सकती है। यहाँ पे अगर हमारे लिविंग प्लस डाइनिंग से अगर हम आगे बढ़ते तो हम बढ़ते हमारे किचन की तरफ। चलिए बढ़ते हमारे किचन की तरफ। अगर हम हमारे किचन की बात करें तो हमारा जो किचन है वो 7x9 के डायमेंशन पर बना हुआ है। किचन में आपको 2 साइड प्लेटफॉर्म दी गई है और किचन में जो टाइल्स का यूज़ किया गया है, जो फ्लोर्स का यूज़ किया गया है, वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस और प्रीमियम है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नल्स है इनका भी, ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट्स के लिए भी स्पेस अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे भी आपको कंपार्टमेंट्स के लिए स्पेस अवेलेबल है। तो ये है आपका किचन। किचन पे बहुत ज़्यादा लग्जीरियस और आलीशान है और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आपको आपके रेफ्रिजरेटर के लिए भी स्पेस है। तो हमारे अगर हम किचन से निकलते तो हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट बेडरूम देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है वो 12x9 के डायमेंशन पर बना हुआ है। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा बेडरूम यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे भी आपको जो है एक विंडो मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दी गई है। लाइट और वेंटिलेशन से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको क्लोथ्स के लिए भी, यहाँ पे आपको ऐसे एक कबर्ड के लिए आपको ये फैसिलिटी दी गई है। आप आपकी तरह से डेकोर कर सकते हो। तो ये हमारा बेडरूम है। यहाँ पे आपको स्पेस है। यहाँ पे आप जो है लैंप या अगर आपको बुक टेबल बनाना है, बुक शेल्फ बनाना है, आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे भी आपको आपके बेडरूम के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस अवेलेबल हो जाता है। बहुत अच्छा स्पेस आपको आपके बेडरूम में मिलता है। तो ये था आपका फर्स्ट बेडरूम। हमारे फर्स्ट बेडरूम से ही अगर हम निकले तो हमें सामने ही एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। तो अगर हम हमारे कॉमन वॉशरूम की बात करें तो कॉमन वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और ब्रांडेड है। यहाँ पे हर एक चीज़ ब्रांडेड यूज़ की गई है। हमारे वॉश बेसिन से लेके हमारे नल तक हर चीज़ में हमें जो है ब्रांड देखने मिल जाता है। और कॉमन वॉशरूम के साथ साथ यहाँ पे जो है आपको एक अटैच स्पेस दिया गया है जो कि आपके वॉशिंग मशीन के लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा और मूविंग स्पेस यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। तो हम हमारे कॉमन वॉशरूम से निकल के हम बढ़ते हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो चलिए हमारा मास्टर बेडरूम देखते हैं। तो मास्टर बेडरूम है वो 10x10 के डायमेंशंस पे बना हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम और लग्जूरियस बेडरूम है। तो आप देख सकते हो कि बेडरूम में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मूविंग स्पेस अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे भी जो है आपको कबर्ड फैसिलिटी दी गई है। ये कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे होंगे। आप ऐसे डेकोर कर सकते हो, जैसे चाहे आप आपका कबर्ड डेकोर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक वेंटिलेशन के लिए विंडो अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एयर और लाइट वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी विंडोज़ दी गई है। अगर हम इसकी बात करें तो बेडरूम के साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। फिर से ब्रांडेड और लग्जूरियस आपको यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी गई है। वॉश बेसिन से लेकर नल की बात करें तो पूरा जो है आपको ब्रांड यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ये था हमारा 2 BHK। इसके साथ साथ ही आपको 2 BHK में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने मिल जाते हैं। और इसमें जो है आपको 1 BHK भी देखने मिल जाता है। हमारा 1 BHK जो है 419 स्क्वायर फिट के डायमेंशंस में बना हुआ है। तो ये था हमारा 1 BHK और 2 BHK इस प्रोजेक्ट में हमने जो देखा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस फ्लैट में जो भी आपको चीज़ें दिखाई गई है, मैं जानती हूँ कि आप जानते हो, बट वो आपको फ्लैट के साथ अवेलेबल नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैट अवेलेबल होगा। ये चीज़ें सिर्फ आपको इसलिए दिखाई गई है एक आइडिया के लिए कि आप आपका फ्लैट कैसे डेकोर कर सकते हो। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, यहाँ पे जो एक गोदरेज प्रोजेक्ट्स ने आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है कि आपका प्रोजेक्ट या आपका घर जब भी बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, क्या चीज़ें इसमें यूज़ की गई है। तो आप ये देख सकते हो कि लीक प्रूफ टेरेस, तो लीक प्रूफ टेरेस बनते वक्त आपके जो टेरेस है उसमें कितनी लेयर्स यूज़ की गई है, कैसे ये बना है, इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है।
तो इससे आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे जो है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल वॉल्स, मतलब कि यहाँ पे आपके वॉल्स में जो है कौन सी वॉल्स यूज़ की गई है, कितने कोड यहाँ पे आपके वॉल के लिए यूज़ किए गए वो दिखाया गया है। यहाँ पे प्री हंग डोर है, मतलब कि आपका डोर कौन से मटेरियल से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये तक यहाँ पे दिखाया गया है। आपके जो विंडोज़ है वो कौन से ग्लास यूज़ किए गए हैं, ग्रेनाइट ग्लास यहाँ पे यूज़ किए गए, मतलब आगे जाके अगर जब भी बारिश होती है तो पानी आपके घर तक एंट्रेंट नहीं करता है, तो इन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो है आपको फायर वर्क फायर फाइटिंग एक्सटेंशन दिखाया गया है, आपके वॉल्स में कितनी कोटिंग हुई है ये सब आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इससे आगे बढ़े तो हमारे आपके जो वॉशरूम है, आपके वॉशरूम कैसे बनाया गया है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि आपका वॉशरूम आगे जाके लीक करता है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे ध्यान रखा है कि आपका वॉशरूम ये प्रॉब्लम आगे जाके फेस ना करे। तो यहाँ पे जो है पूरा वॉशरूम फर्निशिंग भी यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने लेयर्स आपके वॉशरूम में यूज़ किए गए हैं। तो हमने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कवर कर लिया है, प्रोजेक्ट के हर एक डिटेल्स को कवर कर लिया, प्रोजेक्ट के एमिनिटीज़, कनेक्टिविटी और प्रोजेक्ट के यूनिक स्केल्स सब चीज़ों के बारे में जान लिया है। बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपको अगर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग और जानकारी चाहिए तो आप प्रोजेक्ट विजिट करिए, आपको यहाँ पर सैम्पल फ्लैट भी अवेलेबल है देखने के लिए, शो फ्लैट भी आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। To change up.